नमस्कार मेरा नाम सान्या छापरा है और इस साल की यू सिविल सर्विसेज़ परीक्षा में मैंने एटी रैंक हासिल किया है और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि मेरी मेंस रिविजन स्ट्रेटजी क्या रही थी उन तीन महीनों में जो आपको मिलते हैं प्रुलिम्स एग्जाम और मेंस एग्ज़ामिनेशन के बीच में तो उसमें कुछ चीज़ें जो मैंने फॉलो करी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी पर हर कैंडिडेट की अपनी एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी रहती है तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आई विल डिस्कस जो मेरे की एरियाज रहे थे बट आप उसको अपने नीड्स और जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसे अकोमोडेट कर सकते हैं तो पहला काम जो मैंने किया वो ये था कि जो कुछ थोड़े बहुत पेंडिंग टॉपिक्स थे जो प्रिलिम से पहले मेरे रह गए थे जो सिर्फ मेंस में आते हैं मैंने उनको कंप्लीट किया और आई मेड श्योर कि हर टॉपिक के कुछ वन पेजेस या एटलीस्ट हर टॉपिक के ऊपर मेरे पास कुछ मटेरियल है कि अगर उसमें से क्वेश्चन आए तो मैं कुछ लिख सकूं। तो पहला काम ये किया कि जितने भी पेंडिंग टॉपिक्स हैं उसको मैंने कंप्लीट किया सेकंड जो मैंने किया वो ये था कि मेरे ऑप्शनल और जी का जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर बिल्कुल इक्वल फोकस रहा अगर मैं तीन से चार घंटे अपने जी पे लगा रही हूँ तो मैंने ये भी ध्यान रखा कि मैं रोज़ ऑप्शनल पे दो से तीन घंटे उसके रिविज़न पे या पेंडिंग टॉपिक्स कंप्लीट करने पे लगा रही हूँ उससे ये फ़ायदा हुआ कि ऑप्शनल में जो मार्जिन है उसके चांसेस रहते हैं कि वो बढ़ जाएँ अगर आप जी के बार बार ये सोच के कि द नंबर ऑफ़ पेपर्स जो जी में आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो जो ऑप्शनल है उस पर टाइम अगर कम होता है तो चांसेस हो जाते हैं कि आप ऑप्शनल में कम स्कोर करें या अच्छा स्कोर ना कर पाए तो मेरा मानना ये रहेगा कि जहाँ जीएस के सारे सब्जेक्ट्स पे आप जितना फोकस कर रहे हैं उतना ही फोकस आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पे भी रखें जो बहुत आपके मार्क्स को सब्सटैंशली अच्छे मार्जिन से आगे ले जाता है तीसरा काम ये था कि मैंने अपनी पूरी रिविजन स्ट्रैटी को जो सिलेबस है उसको चार भागों में बाइफकेट कर दिया था पहला जी एस वन टू थ्री दूसरा एथिक्स तीसरा एस और चौथा ऑप्शनल सब्जेक्ट जब मैंने ऐसा किया तो मेरा स्कड्यूल करना ईजी हो गया और मैंने इक्वली चारों पार्ट्स पे फोकस किया पर साथ में ये भी ध्यान रहे कि चारों पार्ट्स करते हुए आप करंट अफेयर्स को नहीं निगलैक्ट करें तो जहाँ न्यूज़पेपर रीडिंग की इम्पोर्टेंस को हम ओवरलुक नहीं कर सकते हैं वहाँ ये भी ध्यान रखना है कि स्टैटिक को भी आप अच्छे से रिवाइज करें और कंप्लीट करें चौथा ये कि जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर्स आप सॉल्व कर सकें उतना ही अच्छा बिकॉज उससे दो तीन फ़ायदे होते हैं पहला ये कि आपको पता चल जाता है कि तीन घंटे में बैठ के यू के सारे आंसर्स कंप्लीट करना कैसा होता है उसके लिए जो फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए वो आप डेवलप कर पाते हैं बार बार प्रैक्टिस करने से दूसरा आप क्वांटिटी और क्वालिटी जो पेपर में आंसर राइटिंग की है उस पर दोनों को बैलेंस करके चलते हैं जहाँ ये जरूरी है कि आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करें वहाँ ये भी जरूरी है कि हर आंसर की क्वालिटी अच्छी मेंटेन रहे ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने के चक्कर में आंसर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड कर दें इसीलिए इन दोनों को बैलेंस करना भी आप सीखते हैं टेस्ट सीरीज के थ्रू तो ये ध्यान रहे कि जब आप टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं तो जो स्केड्यूल मिला है टेस्ट सीरीज़ का उसी के अकॉर्डिंग बैठ के करें एग्जामिनेशन फॉर्मेट में बैठ के करें तीन घंटे में ही करें ये नहीं सोचे कि यहाँ पर आप तीन से सवा तीन घंटे ले लेंगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो टेस्ट सीरीज में मार्क्स आ जाएंगे वो नहीं सोचें तीन घंटे में जितना टेस्ट हो पा रहा है उतना कंप्लीट करके सबमिट करें और उसके मार्क्स के बेसिस पे आप अगले टेस्ट में इम्प्रूवमेंट करें तो मेरा मानना यह है कि टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करें टाइम उतना ही लें जितना स्टिपुलेटेड है टेस्ट में गिवन और टेस्ट सीरीज़ ना केवल जीएस बट ऑप्शनल और एसए की भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है तो टेस्ट सीरीज़ कंप्लीशन ऑफ पेंडिंग सिलेबस जो भी आपका कुछ टॉपिक्स रह गए हैं उसको कंप्लीट करें और फोकस इक्वल रखें ऑप्शनल और जी पे और अपनी तैयारी को स्मार्टली स्कड्यूल करें तो मेरा मानना है कि आप अच्छे से GS को करके मेंस को करके रिवि कर पाएंगे थैंक यू धन्यवाद चाणक्य आई एस अकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियोस की जानकारी रखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें